कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार गैंगवार गुंडागर्दी और नशे के मामले में पूरी तरह फेल। सुखविंदर सिंह सेखो सुल्तानपुर लोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सुखविंदर सिंह सेखो पंजाब सकत्तर CPIM ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वालों नकली वेंटीलेटर पंजाब सरकार नू दे के मरीजा नू रब दे आसरे छड़ दिता गया। पंजाब दी कैप्टन सरकार गैंगवार गुंडागर्दी अते नशे ते मामलियां नू लै के पूरी तरह फेल साबित होई सी। आज जड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं कांवड़ सुखविंदर सिंह सेखो, सूबा सकत्तर CPIM पंजाब। आज जो देश दे अंदर केंद्र की सरकार वालों जिस तरह नाल कोरोना की दूजी जिहड़ी वेव आ उहनू गैर जुम्मेवाराना ढंग दे नाल जिठा गया उहदी असीं निंदा करदे हां, क्योंकि केंद्र सरकार नूं लगभग एक साल का समा मिलिया, इहदे दरम्यान च भी कोई तैयारी नहीं कीती। वेंटीलेटर नहीं मिल रहे, जे वेंटीलेटर आया तां 90% फर्जी आ गए, चल नहीं रहे। आक्सीजन ब्लैक च मिल रही है, बैड नहीं लोगों नूं मिल रहे। ICU सेंटर आ जिहड़े अद्ध तों वध जिलिआं च पंजाब दे अंदर हैडक्वार्टर आ जिहड़े सरकारी हस्पतालां दी गल करदा, उत्थे ICU कोई नहीं है। यह बहुत वड्डी अज त्रासदी है। इस नाल लड़न वास्ते केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं कीती पहले दिन तों ही, 2020 तों ही। हुण भी उहदे च बहुत सारे लकूने ने। अज देश दी सरकार सारिआं नूं फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिती जावे, सारिआं नूं इलाज मुफ्त दिता जावे, जिहड़े इनकम टैक्स दे हद चों बाहर ने लोग बेरोजगार होए इस समें दौरान उन्हां नूं 75-75 सौ रुपया प्रति महीना प्रति व्यक्ति जिन्ना चिर महामारी चलती है उन्ना चिर दिता जावे। जिहड़े नौजवान बेरोजगार ने उन्हां नूं घट्टो घट 6,000 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता फिक्स किया जाना चाहिए। और सरकार ने जिथे ये सारे लकूने आ, सरकार लोगों दीआं डेड बॉडीज का संस्कार करने विच भी फेल हो गई।